हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। बहुत खूबसूरत फॉलियज होती है इस प्लांट की, और इस प्लांट का नाम है स्ट्रोमैंथे। ये स्ट्रोमैंथे का शो प्लांट होता है, पेरेनियल होता है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। इतना ब्यूटीफुल प्लांट है और इसे मैंने प्रोपोगेशन के थ्रू तैयार किया हुआ है। सिंगल ब्रांच के थ्रू मैंने इस प्लांट को प्रोपोगेट किया था। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, और इसकी प्रोपोगेशन के बारे में ही आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि इतना खूबसूरत और हेल्दी प्लांट मेरे गार्डन में प्रोपोगेशन के थ्रू कैसे तैयार हुआ और मैंने इसे कैसे ग्रो किया है, ताकि आप भी इस वीडियो को देख के अगर ये ब्रांच कहीं से मिल जाए तो आप इसे ग्रो कर सके अपने गार्डन में, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट तैयार कर सके, नर्सरी से भी ना परचेज करना पड़े। तो मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, एंड तक देखिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको। ये दो वैरायटी में आता है फ्रेंड, मेरे पास इसकी दोनों वैरायटी अवेलेबल है। देखिए, ये तो मैंने बताया प्रोपोगेशन से तैयार किया है, और दूसरा प्लांट है मेरे पास ये भी स्ट्रोमैंथे का प्लांट है, लेकिन इसके लीव के कलर की वजह से इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए, जो ये प्लांट है इसमें ग्रीन एंड येलोइश कलर का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ दो कलर बनते हैं, लेकिन जो दूसरा प्लांट देखेंगे इसमें ग्रीन एंड वाइट है, और साथ में आप बैक साइड में देखेंगे तो लीफ का कलर बिल्कुल रेड कलर है। तो इसमें थ्री कलर हो गए, रेड एंड वाइट एंड ग्रीन। तो इसके थ्री कलर की वजह से इसे स्ट्रोमैंथे ट्रायो स्टार बोला जाता है। ट्रायो स्टार नाम इसमें जुड़ जाता है क्योंकि इसमें थ्री कलर्स हैं, और ये सिर्फ स्ट्रोमैंथे का प्लांट है। तो ये दो वैरायटी ऐड कर लिए मैंने, इसे प्रोपोगेशन से तैयार कर लिया था तो ये मेरे पास था, लेकिन आजकल नर्सरी विजिट कर रही हूँ तो ये वाला प्लांट मुझे दिखा जिसकी बैक में रेड लीव्स होती हैं, तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। तो ये भी मैंने परचेज कर लिया, ओनली 30 रुपीज़ में मुझे ये प्लांट मिल गया था, जिसमें देखिए एक ये है, एक दो दूसरी ब्रांच ये है, और तीसरी यहाँ से न्यू सोर्स निकल रहा है। तो 30 रुपीज़ में मुझे ये प्लांट बहुत सही लगा, तो मैंने इसे ऐड कर लिया है। एक्चुअली ये ड्रॉप वैरायटी है और ये वाली लॉन्ग वैरायटी है। इसकी लीव का साइज थोड़ा बिग साइज का आता है और इनकी ब्रांचेस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये ड्रॉप वैरायटी का है, इनकी ब्रांचेस भी छोटी रहेंगी और लीफ का साइज भी थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो ये दो प्लांट मेरे गार्डन में ऐड हो चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट होता है ये, शो प्लांट होता है, और आपके गार्डन की ब्यूटी को एकदम बढ़ा देता है। आपको मेरा प्लांट भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं बताती हूँ कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे होती है फ्रेंड। या तो आप इसे स्टेम के थ्रू भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, या इसके जो राइजोम्स आते हैं, कुछ जिंजर टाइप के राइजोम्स आते हैं, उसके थ्रू भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मेरे पास राइजोम नहीं था, मेरे एक फ्रेंड के वहाँ पर ये वाला प्लांट लगा हुआ था, तो उन्हीं के घर से मैं ये दो ब्रांच लेके आई थी। देखिए, दो ब्रांच आपको दिख रहे होंगे, ओनली 2 ब्रांचेस लेके आई थी। उसमें राइजोम नहीं था फ्रेंड, उसमें कुछ रूट्स बन गए थे, रूट्स के साथ लेके आई थी मैं, और इजली इसे मैंने एक सॉइल मिक्सचर बना के छोटे से पॉली बैग में लगाया। देखिए, अभी ये पॉली बैग में है, मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। ये देखिए पॉली बैग है, तो अब मैं इसे रिपोर्ट करूंगी तो अच्छा सा सॉइल मिक्सचर दूंगी, तो ये बहुत इजीली प्रोपोगेट हो गया। मैंने इसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा रिवर सैंड ऐड करके सॉइल मिक्सचर में इन दोनों ब्रांचेस को लगा दिया था, और इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रख दिया था। ब्राइट सनलाइट में प्लांट धीरे धीरे स्टैंड कर लेता है, उसके रूट वगैरह जो इसमें स्टेम में थे वो सेट हो गए और प्लांट ग्रोथ करने लगा, तो ये इजली ग्रो हो गया मेरे गार्डन में। तो मैंने इसे सॉइल मिक्सचर दिया, और उसमें थोड़ा सा मैंने नीम खली भी ऐड किया था, ताकि इसमें किसी तरह के पेस्ट वगैरह का अटैक ना हो। तो गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और साथ में नीम खली पाउडर ऐड करके मैंने इस ब्रांच को लगा दिया था। और डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो कटिंग ग्रो नहीं होती है, इसलिए हमेशा इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखना चाहिए किसी भी तरह के प्लांट को, अगर आप प्रोपोगेशन करते हैं तो। तो इस तरह मैंने इसे ग्रो कर लिया। रेनी सीजन चल रहा था, मैंने ओपन एरिया में इसे रखा था, टेरिस पे रखा था, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में, तो बारिश का पानी मिलता रहा, तो ये बहुत इजीली ग्रो हो गया और अच्छे से अब ग्रोथ करने लगा है। तो आप भी जब इस प्लांट को प्रोपोगेट करेंगे तो प्लीज़ वाटरिंग का ध्यान रखिएगा। बारिश का पानी मिलता है तो प्लांट को हेल्प मिलती है अच्छे से ग्रोथ करने में, प्रोपोगेट होने में, लेकिन अगर आप खुद से वाटरिंग करते हैं तो लिमिटेड वाटरिंग करेंगे। ओवर वाटरिंग से जो इनकी ब्रांचेस है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए वुडी स्टेम नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, तो एक्सेस वाटर से प्लांट मर जाएगा, रूट रोट कर लेगा। तो लिमिटेड वाटरिंग करेंगे तो आपका जो स्टेम है वो इजिली ग्रो हो जाएगा। चाहे आप राइजोम भी लगाते हैं तो उसको भी सनलाइट में रखना होता है राइजोम को ग्रो करने के लिए, और उसमें भी लिमिटेड वाटरिंग करनी होती है, अदरवाइज चाहे स्टेम हो चाहे राइजोम हो, दोनों गल के खराब हो जाते हैं। सनलाइट में क्या करना है, अगर आप स्टेम लगाते हैं तो इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखेंगे, और अगर आप राइजोम के थ्रू तैयार करते हैं तो थोड़ी सी
सनलाइट देनी पड़ेगी, मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट देंगे तब जो राइजोम है उसमें स्प्राउट निकल आएंगे। इस तरह से आपका कटिंग बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। बस सॉइल मिक्सचर अच्छा सा देंगे और पॉटिंग का ध्यान रखेंगे, सनलाइट का ध्यान रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। देखिए मैंने इसे 2 ब्रांचेस से ग्रो किया था लेकिन अब इसमें नए नए सूट्स निकलने लगे। देखिए एक ये सूट्स है, दूसरा वो रहा और तीसरा ये रहा, तो अब ये प्लांट ग्रोथ करने लगा। बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ करता है, कुछ ही टाइम में जो ये पॉलीबैग है पूरा भर जाएगा, नए नए इसमें सूट्स निकल जाएंगे और बुशी सा प्लांट बन जाएगा। तो आगे ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा मेरे गार्डन को, इसलिए मैंने ये प्लांट ऐड कर लिया था, तो आप भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड ये था इसका प्रोपोगेशन, या तो आप इसे ब्रांच के थ्रू प्रोपोगेट कर लीजिए या राइजोम के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस प्लांट का प्रोपोगेशन मैंने कैसे किया, आप भी वैसे कर सकते हैं। तो मुझे यकीन आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे और अपने गार्डन के जो प्लांट हैं उनकी केयर कर पाएंगे। जल्दी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगी, तब तक अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्लांट्स का भी। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।